और नोएडा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, लॉजिक्स मॉल में आग लग गई है। आग लगने की घटना सामने आई है, लॉजिक्स मॉल में आग की खबर सामने आ रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा दें, यूपी से नोएडा के लॉजिक्स मॉल में आग लगी है। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए। क्या अंदर कोई फंसा हुआ है या सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया है, ये देखना होगा। लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है लॉजिक्स मॉल, और देखिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो लॉजिक्स मॉल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आग लगने की खबर जो है सामने आई है। हिमांशु हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, क्या खबर सामने आ रही है, आग कैसे लगी यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस वक्त आग लगी हुई है और धुएं से पूरा मॉल जो है वो स्थिति बेकाबू हो गई, लिहाजा सभी लोगों को सेफली इवैक्यूएट करा दिया गया है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, साथ ही आग को बुझाया जा रहा है। कुछ फायर कर्मी जो है वो अंदर मॉल के मौजूद हैं, और जो पूरा अंदर स्पेस है, मार्केट एरिया है, वहाँ तमाम जगह चेक कर रहे हैं। वो जो वॉशरूम एरियाज हैं, वो एंट्री एग्जिट पॉइंट सभी चेक किए जा रहे हैं, ताकि कोई फंसा ना हो, इस चीज को पुख्ता किया जा रहा है। और अभी आग बुझाने पर जोर है, फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि शुरुआती तौर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। जी हिमांशु, मॉल में कौन सा एरिया है जहाँ पर आग लगी, क्या सभी को बाहर निकाल लिया गया है, और कोई डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए एंट्री के दौरान जो बीच में स्पेस आता है, उस जोन में ये आग लगी हुई है, और वहां पे तमाम करीब 4 से 5 फ्लोर्स हैं, और ये आग नीचे से लगते हुए ऊपर पहुंच गई थी। धुएं का गुब्बार देखा जा सकता है, आग के जोन में लगी है ये चीज अभी इनिशियली स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती तौर में जो फायर के कर्मी है वो आग बुझाने में जुटे हुए हैं। जी कितनी दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है हिमांशु, सबको इवैक्यूएट कर लिया गया है, क्या कुछ लोग मौजूद थे जब आग लगी? बिल्कुल, देखिए जब आग लगी थी, अंदर जो है सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे जो मॉल पहुंचे हुए थे, लिहाजा वहां पे लोगों को सेफली इवैक्यूएट कराया गया, कुछ लोग स्वतः बाहर निकल गए, और इसके बाद फायर विभाग को भी सूचना दी गई है। शुरुआती तौर में फायर विभाग की 6 गाड़ियां रवाना हुई थी, लेकिन अभी मौके पर बताया जा रहा है कि इसकी संख्या में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि इनिशियली जो एरिया है वो मार्केट जोन है, लिहाजा लोगों को सेफली इवैक्यूएट तो कराया गया, लेकिन आग पर काबू पाया जा रहा है। जी तो हिमांशु रहिए आप हमारे साथ, तस्वीरें आप तक पहुंचा दें। देखिए नोएडा का लॉजिक्स मॉल है और यहाँ पर आग लगी है। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है, शीशों को तोड़ा गया है क्योंकि लोग अंदर मौजूद थे जिस वक्त आग लगती है, और सभी को लगभग बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी कोई अंदर ना हो इसके लिए आप देखिए कि यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश हो रही है। और ये यहाँ पर आप देखिए कि शीशे तोड़े गए हैं क्योंकि ये जो एंट्री पॉइंट है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है शुरुआती तौर पर कि एंट्री पॉइंट के बीच में वहाँ पर आग लगती है, ऊपर तक 4th फ्लोर तक ये आग पहुंच गई। ऐसे में ये मार्केट एरिया भी है, तो वहां पर आग और ज्यादा ना फैले, आग पर काबू पाया जाए यही कोशिश है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नोएडा के लॉजिक्स मॉल की, ये तस्वीरें हैं, पास में ही मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इस वक्त आप दमकल विभाग की गाड़ियां और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो ग्राउंड जीरो पर देख पा रहे हैं। धुएं का गुबार जो है मॉल के अंदर देख पा रहे हैं, जानकारी यही मिल पा रही है कि पहले जो है, अब ये अंदर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए जिस वक्त आग लगी उस वक्त देखिए कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर नजर आया है।